नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों के दिमाग में कई बार ये सवाल आते होंगे कि भारत को F-35 विमान क्यों नहीं ले रहा है भारत अमेरिका से, साथ ही साथ सुखोई 57 विमान क्यों भारत नहीं खरीद रहा है रशिया से, जबकि रशिया इसे देना चाहता है, और इस बार भारत किस बड़े जाल से बच गया है, और इस बार भारत ने दुनिया को कैसे चौंका दिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के F-35 की। जी हाँ, F-35 ये दुनिया का पहला ऐसा विमान है जो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि इसे किसी रनवे की जरूरत नहीं है, ये चाहे तो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस विमान की कुछ खास बातें अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो इसका सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ही $4 लाख का है, लगभग 3,20,00,000 रुपये का इसका हेलमेट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसे सिर्फ अकेले अमेरिका ने नहीं बनाया, अगर आप इसे देखेंगे इंटरनेट पे, इसकी सर्च करेंगे तो कम से कम 6 से 7 देशों ने मिलकर इसे बनाया है। इसमें जापान, इटली, USA, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश शामिल हैं। आपको बता दें कि F-35 के 3 वेरियंट हैं, F-35A, F-35B और F-35C। दुनिया में ये अकेला फाइटर जेट है जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। बाकी विमानों की तरह इसमें हथियार बाहर की तरफ नहीं लगाए जाते, इसमें हथियार जो है लगाने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है, और इसी के लिए इसे सुपर स्टेल्थ भी कहा जाता है। ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। स्पीड की बात करें तो इसमें 1960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। तो ये तो बात हुई F-35 की। अब बात करते हैं सुखोई 57 की। स्पीड की बात करें तो 2135 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, इसकी स्पीड इतनी है ये 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। यह फाइटर जेट अकेला ऐसा फाइटर जेट है जो 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह हवा से हवा, हवा से ज़मीन और हवा से पानी में मार कर सकता है। एंटी शिप, एंटी टैंक आदि जैसी मिसाइल इसमें लगाई जा सकती हैं। इस फाइटर जेट के 4 वेरियंट हैं। अब आपको बता दें कि भारत भी पहले इस फाइटर जेट को खरीदना चाहता था और रसिया भी इस फाइटर जेट को बेचना चाहता था। इसका जो सबसे एडवांस वर्जन है उसमें भारत शामिल होना चाहता था और रसिया इसके लिए रेडी था कि आप हमारे पास आइए, टेक्नोलॉजी भी देंगे और साथ के साथ F-57 का, ये SU-57 का आपको मोस्ट एडवांस वर्जन भी देंगे। लेकिन भारत ने पहले हाँ की, उसके बाद 2018 में इस डील को तोड़ दिया। उस डील को तोड़ने का सबसे बड़ा खास बात क्या थी और सबसे बड़ी खास वजह क्या थी कि रूस कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि जैसे भारत को चीट भी करता है, क्योंकि उसने भारत को SU-30 दिया, Sukhoi-30 विमान दिया, वही उसने Sukhoi-30 विमान चाइना को दे दिया। दूसरा, उसने भारत को S-400 दिया, उसने चाइना को भी S-400 दे दिया। अब आप एक चीज़ लगाइए, जो चीज़ हमारे पास है वही चीज़ दुश्मन के पास चली जाती है तो उसमें हमारी एज या हमारी बढ़त कहाँ पर रह जाती है। इसी वजह से भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या भारत का इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचना अच्छा था या बुरा था, या भारत को ये SU-57 ले लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे, या क्या भारत ने ये काम ठीक किया। मुझे लगता है कि भारत ने ये काम ठीक किया है। कितना बड़ा अमाउंट, लगभग 30,000 करोड़ का अमाउंट था ये, जिसमें SU-57 खरीदे जाने थे। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने इसे कैंसिल किया, बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, क्योंकि यही चीज़ चाइना को बेच दी जाती, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। अब बात करते हैं हम इससे बड़ी बात की। भारत अपना जो M-CA प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजन की दिक्कत आ रही है, वो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो F-35 को भी मात देगा और SU-57 को भी मात देगा। दोनों से एडवांस होगा, हर तरह से, इंजन में भी, पावर में भी, स्पीड में भी, और हर लिहाज से आगे होगा। दूसरा, वो पूर्णतः स्वदेशी होगा, किसी के साथ उसकी टेक्नोलॉजी साझा नहीं की जाएगी, और भारत का निर्मित होगा तो दूसरे देशों को सोचने पड़ेगा कि ये क्या हमला कर सकता है, क्या इसकी कैपेसिटी है, किस तरह से इसे काउंटर किया जाए, ये एक सोचने का विषय रहेगा जिसमें आगे रहेगा भारत दुनिया से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की राय भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि भारत ने जो ये कदम उठाया, क्या ये सही था या गलत था, क्या भारत को अपने M-CA प्रोजेक्ट के लिए ध्यान देना चाहिए या भारत को विदेशों से भी हथियार खरीदने चाहिए, ऐसे हथियार जिनकी कोई बढ़त ना हो। जी हाँ, जिनकी कोई बढ़त ही ना हो। जो हथियार हमें मिलता है वही थोड़े दिन बाद चाइना को मिल जाते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, आपका S-400, SU-30 हमें मिला है, SU-30 उन्हें मिला है, SU-35, और उसे लेकर वो वहाँ की टेक्नोलॉजी पर भी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को भी
देखकर, ऐसे ही फाइटर जेट J-20 उसी का उदाहरण है जो SU-35 को देखकर बनाया गया है। थोड़े से विमान, 10 से 15 विमान चाइना ने खरीदे, उसके बाद J-20 खुद बना डाला। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। आप भी बताइए कि क्या भारत ने ठीक किया या नहीं किया, क्या भारत का ये कदम अच्छा था या भारत को SU-57 खरीद लेने चाहिए थे। चाइना का काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को देखने के लिए, दोनों फ्रंट में युद्ध लड़ने के लिए भारत को एडवांस हथियारों की ज़रूरत है, और वो एडवांस हथियार हमारा एम का जब बनकर तैयार होगा तो दुनिया देखेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत।